महाराजा सुबह हुए राजनीति कह रहे थे प्रथम निशान समारोह के अवसर पर मंच पर अध्यक्षता कर रही उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति श्री आनंदीबेन पटेल जी, मुख्य अतिथि पंजाब के पंजाब विश्वविद्यालय के माननीय शिक्षकगण प्रशासनिक अधिकारीगण अतिथिगण मीडिया के बंधुगण अभिभावकगण छात्र छात्राएं सभी को मैं इस प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह प्रथम दीक्षांत समारोह है इस विश्वविद्यालय का, इसके लिए विशेष बधाई यहाँ के प्रशासन तंत्र को और यहाँ के विद्यार्थियों को। प्रथम जो है क्योंकि प्रथम बार ही यहाँ पर इस दूसरे इलाके पर हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी का ध्यान गया। हिंदुस्तान की आजादी को स्वतंत्र साल से ऊपर हो गए जो आम जीवन की मानव जीवन की पहली आवश्यकता शिक्षा होती है उससे कुछ शिक्षा के लिए आठ मंडल छह मंडल से उत्तर प्रदेश में लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उससे वह संकल्प पूरा किया गया और आज उत्तर प्रदेश की हर मंडली में विश्वविद्यालय भर चुके हैं। यह निर्माण भी है अध्ययन चालू है उसमें आप प्रथम दीक्षांत है प्रथम का बड़ा महत्व होता है। पहली बार वास्तव में जैसे आप बताए थे सर जानते इसका महत्व है टेस्ट पेपर पढ़ना उसके बाद इन्होंने बताया कि इसको याद करने का आप सबको उस पर बढ़िया किया जाके प्रथम दीक्षांत समारोह के एक सदस्य थे और यहाँ पे भी प्रशासन को ये मालूम हुआ कि आप उस संख्या के छात्र छात्रा है उसके प्रथम दीक्षांत समारोह के अपने पर प्रथम अवसर है प्रथम दीक्षांत है। स्वाभाविक रूप से कुछ त्रुटि रह जाती है लेकिन शब्द होती है प्री प्लानिंग परफेक्ट प्लानिंग के अभाव में खामियां रह जाती है शब्द होती है। यह आपका प्रथम समारोह है इसके लिए पुनः आपको बधाई देता हूं और सभी उपाधि प्राप्त और पदक प्राप्त करना चाहता हूं मैं ये गहराई से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अपने सपनों को साकार किया कुछ और भी छात्र छात्राएं होंगे जो इस मुकाम तक पहुंचना चाहते होंगे लेकिन पूरा नहीं हो पाया उनका सपना लेकिन तो कुछ सपनों के बल जाने से जीवन में अभी आप उस सपने देखते हैं और कलाम साहब ने कहा है कि सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। इसलिए आपको अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करने होंगे दीक्षांत समारोह के बाद नए जीवन में नए करियर में आप प्रवेश करेंगे उस सब में सजोरे होंगे
और सपनों को पूरा करने के लिए आपको संकल्प लेना होगा और तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होगा, इसलिए पूरा करने के लिए बड़ा दुष्ट होगा। चुनौती आएगी लेकिन जब चुनौती आती है तो अवसर भी साथ आती है और अवसर भी बढ़ा है। आप शिक्षित होकर जा रहे हैं यहां से, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, यह एक बहुत अहम प्रश्न वर्षों से चला रहा आ रहा है आचार्य जी के पास। शिक्षा का उद्देश्य पूरा करने के लिए हमारी एनडीपी ने दिशा निर्देश दिया, आवेदन दिया। उस समय जब पूरा देश कोरोना काल से जूझ रहा था, पूरा विश्व कोरोना काल से जूझ रहा था, आप अपने आप को जरा चिंतन करें कि इतिहास में कोई भी प्रश्न करता है जो आपका जो अनुभव होगा किसी ने जुड़वा तो एक कोरोना जरूर था। लेकिन मेरा नेता मोदी जिसने एक और जैसे किया था विश्व में कि डिजास्टर में मैनेजमेंट का मास्टर है मेरा नेता मोदी, और दूसरी ओर आपातकाल के कुछ करो उन्होंने एनडीपी प्रतिक्रिया दी जिसके भूल में जिसके डूब किए से शिक्षा को संस्कार दिया हुआ, शिक्षा को रोजगार दिया हुआ, शिक्षा को पत्नी से इस न्यूक्लियस के और भाई ने भरे से पाठ के दिया गया तो भरिए भर रहे हैं। हमारे स्वभाव में संस्कृति है जो प्रकृति है वो विकसित हो रही है। देखो भूख लगना भूख लग रही है, खाना है, खाना अपने आप खाना बात में है, ज्यादा है तो बचा करके कल के लिए रखना, और अगर भूखे है हम हमारा पड़ोसी भूखा है आधा हम खा रहे हैं आधा उसको कर रहे हैं, यह संस्कृति है जो हमारे तो हमको उस संस्कृति का बाहर करना होगा और उस संस्कृति में वहां हमारा सनातन प्राचीन काल से चला रहा है। सनातन ने हमको यही दिखाया दिखाया कि हमको कैसे मान लो मूल्यों को इसके अंदर लाना है, कम बेसी करें लेकिन आज जो सनातन को करने वो वाले एलईडी का सबका एक साथ है भाई तो है बीच में ऐसा करते भी है लेकिन भूल जाते हैं वो सनातन वो पत्थर की शिला है जिस पर कोई पक्षी अगर तोड़ देगी है तो उस पर झुका करेगा तो उसकी चोट उतरेगी सनातन नहीं। सनातन इस देश के मूल में कुछ बात ऐसी कि हस्ती रहती रही हमारी बरसों आए उत्तम गौरे जहां वो कुछ बात क्या है, वो कुछ बात हमारी संस्कृति को जीवित रखना इस तरह को जीवित करना और उसके लिए जो प्रोहा है हमारे साथ संत और मैं बड़ा जी जिन्होंने इस देश को एक सूत्र में खोया और आज भी लोग हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक कच्छ से कामाक्षा तक ये देश एक है। इसको कौन बता रहा है देश का अधिकांश के अधिकांश से सब तो बहन बताते और आज लोग खराब होते हैं उन पर चोट पहुंचाते हैं। हमको समझना होगा कि जो समाज होते हैं उनके साथ लड़ाया है या जो समाज को तोड़ते हैं उनके साथ लड़ाया
आने वाला भविष्य आपको इंतजार कर रहा है। तो और याद शिक्षकों को मैं कहना चाहता हूं, शिक्षक तलाशता है विभागों को तलाशता है। आपने जो राष्ट्र निर्माण का एक मूल मूल तत्व है। आपको अंतरराष्ट्रीय भावनाओं को पैदा करना होगा। ये कोई बता रहा होगा कि आपका हर काम राष्ट्र के लिए हो रहा है, इदम राष्ट्राय नमः, ये मेरा पूरा जीवन राष्ट्र के लिए, उसको समर्पित होना चाहिए। हमारे नेता मोदी जी कल ही अमेरिका में लाखों के दीवाने लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और जब उन्होंने सुना है उन्हें लग रहा था कि कुछ 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 होगा। उनके व्यक्तित्व से हम सीखते हैं, उनके व्यक्तित्व से सीखते हैं। इसलिए शिक्षा, शिक्षक, शिक्षक, शिक्षण संस्थाएं और शिक्षा की इन सबका राष्ट्र निर्माण का एक महत्व है और एक भूमिका है। उस भूमिका का निर्वाह शिक्षा संस्थाओं को भी करना होगा, शिक्षकों को भी करना होगा, शिक्षा को भी करना होगा और शिक्षार्थी को विद्यार्थी को भी करना होगा। सामान्य सरोकार से जुड़ना होगा। हमें वहां है आचरण दिखाता है, बताता है, सिखाता है कि सामान्य सरोकार से कैसे जुड़ा जाता है। आंगनबाड़ी महिलाएं बैठी है, बच्चे बैठे हैं, ये सामान्य सरोकार से विश्वविद्यालय कैसे जुड़े हैं। अब विश्वविद्यालय अलग चल रहा है, तो आस पास के अपने क्षेत्र के समाज को बदल नहीं अब तक ये चलता आ रहा था, ये नई दिशा थी कि विश्वविद्यालय को सामान्य सरोकारों को कैसे जुड़ना चाहिए। आचरण से संदेश देती है, मित्रों आदर्श की बात करना आसान है, यह बड़ा हाथ सच बोलना है। आदर्श की बात करना आसान है, उस पर चलना है, और उससे भी ज्यादा कठिन है कि स्वयं चले और एक लंबी टीम बनाकर चले जो आदर्श आदर्श पर चलती हो। महामारी का व्यक्तित्व है कि पूरी टीम बनाकर चलती है जो भाषण पर आदर्श पर चलती है। समाज ने जो हमको दिया है, समाज से आपने जो लिया है, क्या आपका राष्ट्र की सेवा है, उसका है। समाज ने जो हमको दिया है, समाज ने छह
जो अपने दैनिक जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, धन्यवाद।